गुरुवार की सुबह 9 बजे 11,000 की लाइन का तार टूटने से निकली चिंगारी से अचानक फैक्ट्री की लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें करीब 3,000 कुंटल से अधिक की लकड़ियां जलकर राख हो गईं। सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु जब तक प्लाईवुड फैक्ट्री के करीब 20 लाख रुपए से अधिक की लकड़ी जल गई। नगर के मोहल्ला कटारमल निवासी पंकज वेशी ने नगर के हल्दौर रोड पर जगदम्बा प्लाईवुड फैक्ट्री खोल रखी है। बता दें कि गुरुवार की सुबह 9 बजे फैक्ट्री के पास गोदाम से गुजर रही 11,000 की लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते तारों से चिंगारी की वजह से लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। भयंकर आग लगने से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में भगदड़ मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु भयंकर आग की वजह से आग आसमान छू रही थी। सूचना पर जिले से पहुंची आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु जब तक गोदाम में रखी करीब 3,000 कुंटल से अधिक की लकड़ी जलकर खाक हो गई। जबकि दमकल की गाड़ियों फैक्ट्री में तैनात कर्मचारी की वजह से लकड़ी का भरा हुआ एक गोदाम बच गया। भयंकर आग लगी हुई थी। सैकड़ों कर्मचारी और दमकल की गाड़ियों में तैनात कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। न्यूज फ्रीडम के लिए बिजनौर से मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। सर, क्या पूरा मामला सर? ये 11,000 का लाइन की तार टूट गया है इस पर लकड़ी पे, और हमने काफी कहा शिट डाउन के लिए, शिट डाउन होने में देर हो गई, हमारे लेबर मौजूद थी, लेकिन जब तक वो शिट डाउन काफी देर से होने की वजह से वो आग ज्यादा फैल गई। कितना नुकसान? लगभग कुछ अंदाजा नहीं। मौके पर फायर काफी लेट पहुंची। चांदपुर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़ी फायर की गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी आग को रोकने के लिए। काफी नुकसान है आपका? नुकसान जो है वो आपके।